शुरुआत होते ही ग्रामीण अंचल में जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है। उदाहरण समीप के ही ग्राम मोड़ी में देखा जा सकता है, जहां 46,58,000 की लागत से बनी नल जल योजना के तहत पेयजल टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, किंतु अभी तक पाइपलाइन का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस वजह से ग्राम वासियों को अभी तक इस योजना का लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के लिए 46 लाख की नल जल योजना पीएचई विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसकी पेयजल टंकी का निर्माण कार्य हो चुका है, किंतु पाइपलाइन डालने का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। इससे समस्या और भी बढ़ गई। पेयजल टंकी में पानी के लिए पीएचई विभाग ने गणेशपुरा बांध में ट्यूबवेल खनन भी किए थे, किंतु गणेशपुरा बांध के भी सूखने की कगार पर पहुंच जाने के कारण अब मोड़ी में जल संकट से निपटने के लिए गाँव से करीब 9 किलोमीटर दूर काली सिंध नदी पर बने एक कुएं से पाइपलाइन डाली गई है, जो अभी तक गांव में नहीं पहुंची है। नदी के ऊपरी हिस्से में कुलाड़िया बांध का निर्माण हुआ है। इस वजह से नदी में पानी कम होकर गर्मी में सूख जाता है। ऐसे में योजना के शुरू होने से पहले ही यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि योजना कुल कितने समय तक चल पाएगी। नतीजतन ग्रामवासियों को पीने के पानी के लिए 2-2 किलोमीटर तक भटकना पड़ रहा है। ग्राम की आबादी 5,000 के लगभग है, जिसमें से 3,000 की आबादी पेयजल संकट का सामना कर रही है। ग्रामवासी आसपास 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निजी खेतों में कुओं और ट्यूबवेलों से पानी लाने को मजबूर हैं। अभी तक ग्राम के बाजार के कुएं से पानी भरते आ रहे थे, किंतु उसमें भी जल स्तर कम हो जाने के कारण जल संकट की यह समस्या और भी बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम के लिए 46 लाख की नल जल योजना पीएचई विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसकी पेयजल टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, किंतु पाइपलाइन डलने का कार्य समय पर नहीं हो सका। इससे समस्या और बढ़ गई। पेयजल टंकी में पानी के लिए पीएचई विभाग ने गणेशपुरा बांध में ट्यूबवेल खनन भी किए थे, किंतु गणेशपुरा बांध के भी सूखने की कगार पर पहुंच जाने के कारण अब मोड़ी में जल संकट से निपटने के लिए गांव से करीब 9 किलोमीटर दूर काली सिंध नदी पर बने एक कुएं से पाइपलाइन डाली गई है, जो अभी तक गांव में नहीं पहुंची है। नदी के ऊपरी हिस्से में कुंडालिया बांध का निर्माण हुआ है। इस वजह से नदी में पानी कम होकर गर्मी में सूख जाता है। ऐसे में योजना के शुरू होने से पहले ही यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि योजना कुल कितने समय तक चल पाएगी। वहीं एसडीएम ने ग्रामीणों को बताया कि 7 दिनों के अंदर पेयजल सप्लाई शुरू हो जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जल्द ही टैंकरों के माध्यम से भी जल सप्लाई की जाएगी। गांव के जिस बिना मुंडेर के कुएं से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पानी भर रहे थे, एसडीएम ने उसका भी निरीक्षण किया और रोजगार सहायक को मुंडेर बनवाए जाने तथा कुएं की सफाई के निर्देश दिए। पानी और बोल रहे हैं हम तो पंचायत के हिसाब से आप कम देख लो, तुम्हारे तरफ 10-12 दिन हो गए पानी में, पानी नहीं है कुओं के अंदर पीने का पानी के पानी पीने का चाहिए हमें, पानी कहाँ है बोल के, पानी पीने का तो यही है, तो कहाँ से लाए? कितने दिन हो गए? 10-12 दिन हो गए। ये वो तो मंत्री क्या, अपन तो मंत्री तो सुने ही नारायण सिंह वो नहीं है बस। हाँ मुखेरियों का नारायण सिंह नहीं सुन रही हूँ, हेलो गुड भैया करो शिकायत है, पानी नहीं कहाँ दे रहे पानी यार, बापड़ा सब तो परेशान हो रहे हैं। कितने दिनों से नहीं आ रहा? 12 से 12 दिन 10-12 हाँ 10-12 दिन हो गए। वो बोले परसों को तेरे मंत्री बोले क्या बोला दे देंगे पानी, कब दे देगा पानी है कि नहीं? यही पास में 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक कुआ है, वहाँ पे ट्यूबवेल चलती है, तो वहीं से लाते हैं हम पीने का पानी। और इस कुएं में नहीं पीने का पानी? नहीं यहाँ पे तो